ईथर एनर्जी ने सक्सेसफुली अपने ऑपरेशन के 2 साल कंप्लीट किए हैं और अब कंपनी प्लान कर रही है कि वो व्हीकल एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट करे। इस प्रोग्राम के द्वारा पेट्रोल स्कूटर्स इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की तरफ आकर्षित हो सके। इस पेट्रोल स्कूटर्स एक्सचेंज प्रोग्राम के पूरे डिटेल्स अभी तक रिवील नहीं हुए हैं। कंपनी की एथर 450X इंडिया की फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर है। पुणे के एक इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेशलिस्ट हेमांग धबाड़े ने फर्स्ट जनरेशन होंडा एक्टिवा को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया है। ये रेट्रोफिटेड स्कूटर 65 किलोमीटर पर आर की टॉप स्पीड से चलती है और ये 42 किलोमीटर की रेंज देता है सिंगल राइडिंग में और 35 किलोमीटर की रेंज डबल राइडिंग में। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं से इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के डिटेल्स के बारे में। What we've done here is that we've used the original centrifugal variable transmission, also called the CVT, given by Honda, along with the step-down transmission and the brakes that come standard with the vehicle, and also the wheel, of course. And we've coupled it to a 1 kilowatt BLDC motor, and making this a fully electric vehicle. And also at the same time, we've retained the original brakes, the original wheels, tires, suspensions, and the geometry, making it a reliable, safe, and fun vehicle to ride. ब्लूस्मार्ट के फाउंडर अनमोल जगी ने अनाउंस किया है कि उनकी इलेक्ट्रिक कार फ्लीट 4.75 मिलियन क्लीन पोल्यूशन फ्री किलोमीटर्स कंप्लीट किया है। उन्होंने 1,75,000 जीरो एमिशन ट्रिप्स किए हैं दिल्ली एनसीआर में। ब्लूस्मार्ट 4 जून 2019 को लॉन्च हुआ था और जब से लेकर अभी तक ब्लूस्मार्ट ने 325 टन का CO2 को बचाया है और एवरेज के बेसिस पर उनकी इलेक्ट्रिक कार फ्लीट ने एक दिन में 1 टन का CO2 एमिशन को कम किया है। इतना ही नहीं, ब्लू स्मार्ट के कैब्स को पूरी तरह से क्लीन और सैनिटाइज किया जाता है हर दिन 2 बार जब ये चार्ज होते हैं और हर ट्रिप के बाद सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखा जाता है। गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।